तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह से अदावत ठानने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को उन्हीं के डिपार्टमेंट ने फिर से कटघरे में ला खड़ा किया। अमिताभ ठाकुर को धमकी दिए जाने के मामले में यूपी पुलिस ने मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट दे दी है। यही नहीं, यूपी पुलिस उल्टा अमिताभ ठाकुर पर ही झूठे आरोप दर्ज करवाने को लेकर कोर्ट से कार्रवाई की इजाजत मांग रही है। हमारे से जो मेहमान हैं आज ऑन स्पॉट में, उनसे हम आपको एक बार मिलवाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं ए के मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे हमारे साथ ए के मिश्रा साहब, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से अकरम कादरी होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। अकरम कादरी के पास जाऊँ उससे पहले मैं ए के मिश्रा आपके साथ शुरू करूँगा। ये फैसला आना, हालांकि फैसले पर मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, इस फैसले के बाद एक सवाल जो बहुत खास है, क्या ये माना जाए कि ब्यूरोक्रेट भी दरअसल पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है? देखिए, बात शुरू करने के पहले बड़े क्षमा और विनय के साथ मैं बोलूँगा, कोर्ट या जांच एजेंसियों के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ और ना मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो सही है या गलत है, कौन पक्ष सही है या गलत है। लेकिन सवाल ये है कि जो ऑडियो क्लिप अभी आपने दिखाई है और पहले दिखाई है, उसकी भी विश्वसनीयता अगर मैं नहीं मानूं, सही हो सकता है गलत हो सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, देखा ये जाना चाहिए कि अगर ये ऑडियो क्लिप इनकी नहीं है तो पुलिस या जांच एजेंसी ये भी तो बताए ये किसकी है। हो सकता है ये डॉक्टर्ड है। बहुत सारे ऐसे अभिनेता या कलाकार मिलते हैं जो कि आवाज को सेम टू सेम डब करके वो प्रोड्यूस करते हैं। मैं एक पॉइंट इस पे क्लियर कर दूं, क्योंकि जो जांच की प्रक्रिया चल रही थी, मुलायम सिंह यादव ने नेताजी ने कभी ऑडियो सैंपल नहीं दिया। और दूसरी बात, उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि वो जो कन्वर्सेशन है दरअसल उन्होंने की। हाँ, ये आपने दिखाया था। देखिये, मुलायम सिंह यादव का ऑडियो सैंपल लेना, कोई इतने हजारों तो उनके भाषण पड़े हुए हैं, वहां से मैच नहीं हो सकता है। दूसरी चीज ये है, आपको मैं ये बताऊं, अमिताभ जी खुद आईपीएस ऑफिसर है, उनको पता है कि एफआईआर क्या होती है, कैसे सही और कैसे गलत होता है। तो मुझे नहीं लगता है, भले ही वो बड़े विवादित रहे हों, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना झूठे तरीके से किसी चीज को करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुलायम सिंह यादव जी ने बोला कि बड़े होने के नाते मैं उनको समझा रहा था। मैं इसका आप उल्टा देखिए, चलिए मैं भी किसी से बड़ा हूं और किसी नेता और मंत्री को इसी तरीके से समझाऊं उनको फोन करके, और देखिए क्या होता है, दो मिनट के भीतर पुलिस कितनी एक्टिव होती है। तो एक तुलसीदास ने जो कहावत कही है, समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई, मुझे ये लगता है कि वो यही चीज है। और ब्यूरोक्रेट क्या, मैं बताऊं, जो सबसे पावरफुल लोग हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इंडिया में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, डेफिनेटली वो लोग वो जो है सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपना जो है पॉलिटिकल माइलेज या अपना पर्सनल गेन करने के लिए। हर डिपार्टमेंट में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। क्या सही है क्या गलत है ये एक डिफरेंट चीज है। लेकिन मेरे दो सवाल है, अगर ये ऑडियो टेप जो था मुलायम सिंह यादव जी और अमिताभ के बीच की बात नहीं थी, तो एजेंसी ये बताए किसका सोर्स क्या है, ये किसका है, ये भी तो उनको क्लियर करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर मुलायम सिंह यादव जी बोल रहे हैं कि भाई मैं बड़ा हूं, मेरा एक बड़ों का एक विशेषाधिकार है कि मैं समझाऊं लोगों को, तो मैं बोलता हूं इसका उल्टा करके देखिए। हम भी किसी को, किसी नेता मंत्री या बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी को अगर ऐसे ही फोन पे समझा दें तो उसका क्या रिजल्ट होता है, मुझे ये भी जो इन्फ्लुएंशियल आदमी है या जो एजेंसीज हैं वो जरा मुझे बताएं। मेरे कहने का मतलब, संविधान और कानून एक है सबके लिए, लेकिन वो सेपरेट क्यों हो जाता है, बात जब बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोगों की आती है। ठीक है, अकरम कादरी, मैं एक पॉलिटिकल व्यू समझना चाहता हूं, क्योंकि एक बात बहुत सही है, जो अमिताभ ठाकुर के प्रोफाइल को भी हमने दिखाया, ये कहा गया कि नाराजगी की वजह से उनको प्रमोशन का इंतजार करना पड़ा, यानी ब्यूरोक्रेट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पॉलिटिकली होता है, यानी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर काम करता है। खुद अमिताभ ठाकुर के ऐसे इंटरव्यूज मैंने देखे पढ़े जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत दबाव में रहती है, और ऐसे इंसिडेंट्स भी देखते हैं कि पुलिस बहुत ज्यादा प्रेशर में रहती है। आज भी औरैया से एक खबर आई जहां पे एक पुलिस वाले ने सुसाइड कर लिया, यानी प्रेशर्स है, और इस तरह का अगर पॉलिटिकल प्रेशर है तो फिर आप इसको क्या समझते हैं? दरअसल अब इनकी आपने हिस्ट्री देखी, मायावती शासनकाल में भी इनको साइड किया गया था, रेप के आरोप इन पर है, तो जाहिर सी बात है कि इनको टाइट रखने की जरूरत पड़ सकती है सरकार को। जैसे आपने खेमका को किया हरियाणा में, खेमका छोड़ी ना, गुजरात में देखिए आईपीएस। अरे नहीं भाई, छोड़ कैसे दे, किसी सच्चा बात किसी ब्यूरोक्रेट की है तो उसको छोड़ कैसे दे, इतनी आसानी से आप कैसे करें? मैं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट की बात में कर रहा था। सर, कानून टाइट करेंगे कि फोन पे बात करके टाइट करेंगे? अधिकारी पर रेप के आरोप हो और उसके बाद अगर इनको क्लीन चिट मिल गई तो क्या गलत हुआ है? अच्छा काम हुआ, हम तो टोटल केस में इनको क्लीन चिट मिल जाए, फिर विपक्ष की भूमिका तो निभाए। अभी तो ये विपक्ष में भूमि अधिग्रहण बिल में ये
बीजेपी के साथ खड़े थे, जरा इनको सारे केस में हम तो चाहते हैं, हम तो दुआ करते हैं क्लीन चिट सब केस मिल जाए, तो ढंग से विपक्षी भूमिका निभाएंगे। बाकी क्या है ये सरकार जो इस समय मौजूद है केंद्र में, क्या संविधान का पालन कर रही है, जिसको चाह रही है फंसा रही है, जिसको चाह रही है क्लीन चिट दे रही है, ये सरकार क्या खेल खेल रही है? नहीं, आपको लगता है कि सरकार ने इस पे खेल खेला है मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट देकर? कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा खेल खेला है, ये तो एक अपराधी नहीं, आप कह रहे हैं अक्रम नहीं नहीं, ये अपने टोटल केसों को अपने फ्री होने चाह रहे हैं ना, देख रहे अब जितने इन पे अपराध थे, अपराध इनके जितने भी हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे करने वाले नहीं, मैं बात मुलायम सिंह यादव का, मैं मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूँ, आप मुजफ्फरनगर दंगे नहीं, मुलायम सिंह यादव तो बिल्कुल इनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सामने अपराधी है वो रेप तक के आरोप में है, उनको मायावती ने साइड किया हुआ था, तो जाहिर सी बात है। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, आदमी अपराधी है, इसका मतलब ये ठीक है मेरे आपके बीच झगड़ा है, अभी आरोपी है, अभी आरोपी है, इस तरह के अभी आरोपी आरोपी होगा, उस पर ध्यान रखना जरूरी है। मैं कहता हूँ अगरचे ये आवाज उनकी साबित नहीं हो सकी है, फिर भी मैं कहता हूँ ये जिम्मेदारी है किसकी है, ये भी तो आप बताइए, वो तो इसका कोई पता ही वो नहीं, तो आप मौजूदा सरकार से पूछिए ना, जांच एजेंसी से पूछिए, लेकिन इस तरह के अधिकारी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है सरकार के लिए, वरना कुछ भी कर सकते हैं ऐसे अधिकारी। अच्छा, तो मतलब आप ये जताना चाह रहे हैं अकरम कादरी कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें भी पुलिस जो है पॉलिटिकली मोटिवेट होकर इन्वेस्टिगेट करती गई, और बीजेपी शायद क्रेडेंशियल लेने के लिए और मुलायम सिंह यादव से रिश्ते अच्छे करने के लिए, समाजवादी पार्टी को ऑब्लाइज कराने के लिए इस तरह से क्या इन्फ्लुएंस किया गया क्या? इसको मैं कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो मौजूदा सरकार है ये अपने मनमाने फैसले कर रही है, कानून को नहीं मान रही, ये संविधान को नहीं मान रही। नहीं, आप अगर दूसरे लहजे पे ये कह रहे हैं तो इनडायरेक्टली मेरे सवाल के जवाब दे रहे हैं, जो फर्जी इन्वॉल्व थे उनको छोड़ा गया, छोड़ते ही उनको ऐसी बात करें वो संविधान को मानता है, टोटल उनको वर्दी पहना दी गई, और वो अधिकारी जिन्होंने ईमानदारी से काम करा वो जेलों के अंदर सड़ा रहे हैं, उनकी पत्नियों को सुप्रीम कोर्ट अगर जा रही है तो जाने नहीं दिया जा रहा है, हमें डर है कि उनको मरवा दी नहीं दिया, संजीव भट्ट की पत्नी ऐसे थ्रेट की बात तो इन्होंने भी की थी, ऐसे थ्रेट की बात तो इन्होंने भी कही थी ठाकुर ने, और इन्होंने कही थी कि मुझे भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, इन्होंने कहा इस फोन कॉल के बाद ही, वो तो एक इन्होंने अपने केस मजबूत करने के लिए कहा होगा, लेकिन संजीव भट्ट के साथ जो हो रहा है हम देख रहे हैं, जो कुछ संजीव भट्ट के साथ हो रहा है हम देख रहे हैं, और दूसरे जो उनके फेवर के अधिकारी छोड़ा वो भी हमने देखा। एक मिश्रा साहब, मैं बड़ा शॉक हूँ, मतलब संजीव भट्ट इनको गुजरात में याद आ जा रहा है जहाँ पे बीजेपी का शासन है, जहाँ पे हरियाणा में इनके शासनकाल में, हुडा साहब के शासनकाल में, अशोक खेमका के लगातार आरोप लगते रहे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, उस वक्त को ये पॉइंट आउट नहीं करते हैं। यानी एक बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से अप्रोच करना चाहती है, इन्फ्लुएंस करना चाहती है। मैं आपको बताऊं 101% मैं इस चीज को मानता हूं, ये हमारे सिस्टम की खामी है, मैं ये मानता हूं कि क्यों पॉलिटिकल पार्टियां जिनका एजेंडा होता है कि हम सत्य का साथ देंगे, हम विकास करेंगे, और जीतने के बाद वो बड़ी सिलेक्टिव हो जाती हैं, यानी पूरे देश के सिस्टम को अपने कब्जे में लेके अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए काम करने लगती हैं। इसका उदाहरण है, एक उदाहरण ये देखिए, अमर सिंह जी, मैं यहाँ पे भी क्षमा के साथ बोलूंगा, जिंदगी भर जिस पार्टी के साथ रहे और जिसके कारण वो आगे बढ़े, आज पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि वो बीजेपी और मोदी के गुड़गाने लगे हैं। मतलब मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि ऐसे कैसे कोई चीज़ चेंज हो जाती है। एक ही मिश्रा, मेरा पॉइंट ही नहीं, मेरा पॉइंट दरअसल ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि ईमानदार रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ब्यूरोक्रेट से आप ये उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था बदलेगा तभी जब आप ईमानदार रहेंगे, अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहे और इस तरह का प्रेशर, इस तरह का दबाव हो कि भाई बड़ा होके मैं बात करना चाह रहा था, तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं, तो आप कैसे फिर ईमानदार रहने की और मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स है। नेता लोग जितनी चीजें बोलते हैं, आदर्श वाली बातें करते हैं, उसके लिए एक ही मुहावरा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वो ये तो चाहते हैं कि कर्मचारी लोग ईमानदार रहे, जनता ईमानदार रहे, लेकिन आप जितने घोटाले हुए हैं सारे नेता लोग उसमें फंसे हैं, तो आप इनसे पूछिए ना कि आप क्यों नहीं ईमानदार हैं, आप क्यों नहीं उस चीज को अपने लिए फॉलो करते हैं? घोटाले अधिकारियों के बिगर होते नहीं, अधिकारी घोटाले करते सब मिले हुए हैं, कहां नेताओं पे आप ले जाते हैं? मैं सारी उन लोगों की सिस्टम में उन लोगों अधिकारी जितने घोटाले अभी दिल्ली के कुल के अंदर आज ही ओपनिंग हुई है, घोटाले किया है सिस्टम में, जितने बीजेपी सरकार ने घोटाले किया है, नहीं आप बोलिए अगर नेता कर रहे हैं सिस्टम में, बिगर अधिकारी के घोटाला हो जाएगा क्या? सर कितने नेताओं पे करप्शन और इन सब चीज, संसद में जितने लोग बैठे हैं 34% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, घोटालेबाज है भी, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप बिल्कुल अधिकारियों क्लीन चिट दे दे, बिगर अधिकारी के मिला घोटाला होता ही नहीं है। अभी भी जो आज पुल का जिसका उद्घाटन हुआ बीजेपी शासनकाल में, उसमें बहुत बड़ा 100-150 करोड़ का घोटाला है, उसमें अधिकारी और बीजेपी नेता सब इन्वॉल्व है। सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब सारी पार्टियों में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ऊपर से लेके नीचे तक वो एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं पॉजिटिव या निगेटिव वे में कि भाई इस हिसाब से काम करो क्योंकि इससे हमारा पर्सनल गेन ये अच्छा, होगा। एक पॉइंट क्योंकि वक्त कम है, आज आधे घंटे का ये हम शो करेंगे, एक छोटा सा सवाल, आप मानते हैं कि अगर
पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड नहीं होता तो शायद सब कुछ ईमानदारी से चलता, और अगर ईमानदारी को प्रेशराइज नेता कर रहे हैं तो शायद ईमानदार होने की उम्मीद कैसे करेंगे अकरम कादरी आप? जी सर, ईमानदार होने की उम्मीद कैसे करेंगे अगर उसको लगातार दबाव ऊपर से नहीं मिला? क्योंकि ये बात जो उन्होंने कही है कि मिश्रा ने, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी ये बात तो सही है कि अगर नीचे कोई अधिकारी बैठा है तो उसके ऊपर ऊपर से दबाव आ रहा है तभी वो फैसले ले रहा है। नहीं, ऊपर अगर ईमानदार आदमी बैठा हुआ है कोई भी नेता किसी पार्टी का, तो अधिकारी से वो ईमानदारी काम लेगा, बाई फोर्स ले, प्यार से ले, कैसे भी ले, और ऊपर बेईमान बैठा है तो फिर वो उससे बुरे काम करवाएगा। तो आपने मेरी ही बात बोली ना। नहीं, तो ये हकीकत है, आपकी बात क्या है, ये हकीकत और सच्चाई है। ये टोटल धर्मों की ये बात है, ये बिल्कुल हकीकत है। अगर ईमानदार आदमी, अगर बाप भी ईमानदार होगा तो बेटे को अच्छी राह पे लाएगा, बाई फोर्स एक नेता की जिम्मेदारी है। एक मिनट मिश्रा जी, मैं आऊंगा, कंप्लीट करूंगा। और अगर वो ईमानदारी से उन्होंने कॉल किया है, किस मामले में किया है, क्या प्रॉब्लम थी जिस पे रेप के हो, जिसने शस्त्र में धांधली की हो, तो अगर उन्होंने किस लिए कॉल किया वो तो नेताजी जानते होंगे। अच्छा, कंक्लूड कीजिए एके मिश्रा, कंक्लूड कीजिए, क्या समझ में आ रहा है अब, क्या होगा? देखिए, मैं इस चीज को वाकई में मैं कंक्लूजन के रूप में बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में वाकई में एक ये सिस्टम में कुछ ऐसी जो है आप गलत चीजें घुस गई है जो कैरेक्टर और नैतिकता के लिए बड़ी खतरनाक है। मैं बोलना ये चाहूंगा, जब एक आप सामान्य आदमी से माननीय बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, पूरे देश की जिम्मेदारी होती है और आप शपथ लेते हैं कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मेरे कहने का मतलब इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंच के और इस तरह की कि फोन टेप कॉल सही है या गलत है, आपको अगर कुछ करना था तो आप कानूनी तरीके से जाते, आप पर्सनल तरीके से क्यों? किसी को पर्सनल तरीके से फोन करने का मतलब है कि आपका इंटेंशन था कि इन्फ्लुएंस करना। दूसरी चीज है कि ये आवाज अगर इन दोनों लोगों की नहीं थी तो ये आवाज किसकी थी? जांच एजेंसी ये भी तो क्लियर करे, इस चीज का जो है जांच एजेंसियां क्यों नहीं क्लियर कर रही है कि ये आवाज डॉक्टर थी, किसी ने डब की थी, क्या थी? तो मैं समझता हूं कि अगर वाकई में देश को सुधारना है तो सबसे पहले ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली जो चीज है नेताओं को बंद करना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर नेता लोग सुधर गए तो नीचे की जितनी चीजें हैं उनका मजाल नहीं है, धीरे धीरे करके वो सब सुधर जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन